हे दोस्तों, अक्सर ट्रेन में सफर के दौरान हमें पटरियों के किनारे जगह जगह पर अलग अलग तरह के साइन बोर्ड्स देखने को मिलते हैं, जिसे देखकर हमारे मन में सवाल उठता है कि इन साइन बोर्ड्स का क्या मतलब होता है। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही साइन बोर्ड्स के बारे में जानेंगे, पर वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अक्सर हम ट्रेन में सफर करते समय पटरियों के किनारे लगे पीले रंग के ऐसे चॉकर बोर्ड को देखते हैं जिस पर काले रंग से WWL WV या CFA लिखा होता है। इन बोर्ड्स को विजुअल इंडिकेटर बोर्ड कहते हैं। बता दें कि W लिखा हुआ बोर्ड ट्रेन के ड्राइवर को सामान्य रूप से सीटी बजाने के लिए कहता है, जबकि WL या CFA लिखा हुआ बोर्ड ट्रेन के ड्राइवर को इस बारे में बताता है कि आगे मानव रहित फाटक आने वाला है, वह ट्रेन की सीटी बजाते हुए फाटक को पार करे। WL या CFA लिखा हुआ बोर्ड मानव रहित फाटक से 250 मीटर पहले लगाया जाता है। इसी तरह से WV बोर्ड ट्रेन के ड्राइवर को इस बारे में बताता है कि आगे पुल आने वाला है और वह पुल को पार करते समय सीटी बजाए। कॉशन इंडिकेटर बोर्ड बता दे कि ये बोर्ड रेलवे ट्रैक पर चल रहे टेम्परेरी या फिर परमानेंट इंजीनियरिंग कामों के कारण विशेष प्रतिबंध या सावधानी बरतने का संकेत देता है। तीर की दिशा ये बताती है कि खास प्रतिबंध किस ट्रैक पर लगा है। ये बोर्ड आमतौर पर काले और पीले निशान वाले होते हैं। जिस डंडे पर इस तीर को लगाया जाता है वो काले और सफेद रंग का होता है। सावधानी संकेतक बोर्ड को आमतौर पर गति संकेतक बोर्ड से 700 मीटर पहले लगाया जाता है या फिर जिस स्थान पर काम चल रहा होता है वहां से 800 मीटर पहले लगाया जाता है। बता दे कि ये बोर्ड केवल ट्रेन के ड्राइवर के लिए होता है। ट्रेन का ड्राइवर इसे देखते ही समझ जाता है कि आगे गति संकेतक बोर्ड लगा है और उसे ट्रेन की स्पीड को धीमा करना है। कॉशन आउट ऑफ टनल साइन बोर्ड। दोस्तों, सफर के दौरान एक गोलाकार पीले बोर्ड पर आपने सीटी लिखा हुआ बोर्ड जरूर देखा होगा, लेकिन आप इसका मतलब नहीं जानते होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये बोर्ड किसी भी सुरंग से पहले लगा होता है। इससे ट्रेन के ड्राइवर को पता चल जाता है कि आगे कुछ ही दूरी पर सुरंग आने वाली है। स्पीड लिमिट साइन बोर्ड। ये नीला बोर्ड स्पीड के लिए होता है। ये स्पेशल ट्रेनों जैसे राजधानी या शताब्दी जैसी ट्रेनों के लिए होता है। ये बोर्ड ट्रेन के ड्राइवर को स्पीड के बारे में बताता है। अब बात करते हैं ट्रेन के लास्ट डब्बे पर एक्स के निशान के बारे में। ट्रेन के लास्ट डब्बे पर पीले रंग से एक्स का निशान बना होता है। ये निशान इसलिए बनाया जाता है ताकि रेलगाड़ी पर नजर रखने वाले कर्मचारी को पता चल सके कि पूरी गाड़ी जा चुकी है। इसके अलावा वर्तमान समय में ट्रेन के लास्ट डब्बे पर बिजली का एक लैंप भी लगाया जाता है जो चमकता रहता है। पहले ये लैंप तेल से जलता था, लेकिन अब ये लैंप बिजली से जलता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।